रहता का उल्टा चश्मा। मुझे पता चल गया अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। He is bluffing. He doesn't know anything. ठीक है, तो अभी मैं शब को आपकी गुड न्यूज क्या है वो बताता हूँ। अगर वो सही निकली तो आप पूरी सोसाइटी के सामने मुझे ऐसे झुक के ऐसे सलाम करोगे, सलाम मालिक सलाम 3 बार। डन। लेकिन अगर तुम्हारा गुड न्यूज गलत निकला तो तुमको भी पूरा सोसाइटी के सामने ऐसा झुककर मेरे को सलाम मालिक सलाम ऐसा करना पड़ेगा। ओके डन। क्या? यस। गुड न्यूज क्या है? इस बात पे तुमने जेठा जी से शर्त लगा ली? यस। अय्यर, अगर सच में जेठा जी को पता हुआ गुड न्यूज क्या है तो तुम्हें उनको झुक के सलाम करना पड़ेगा। बबीता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा गुड न्यूज जेठालाल को पता चले ऐसा कोई चांस ही नहीं है। अरे वो तो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है। देखना, चर तो मैं ही जीतेगा। But still, अय्यर। बबीता, come on, don't worry, चर तो मैं ही जीतेगा। और कल मैं नहीं, जेठालाल पूरा सोसाइटी के सामने झुक कर ऐसा मेरे को सलाम करेगा, देखना। कल अय्यर भाई पूरी सोसाइटी के सामने मुझे सलाम मारेंगे तो बेचारे बबीता जी को अच्छा नहीं लगेगा। क्या करूं, चैलेंज कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, अभी अगर मैंने चैलेंज कैंसिल कर दी तो अय्यर भाई को लगेगा कि हार के डर से मैं चैलेंज कैंसिल कर रहा हूं। नहीं नहीं, चैलेंज तो चालू ही रहने दो। छोड़ो, जेवा अय्यर भाई ना नसीब भेजू छू। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाय करता है। गुड मॉर्निंग विनायकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह देर से उठने वालों का नसीब भी उनकी नींद की तरह देर से ही खुलता है। वाह 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 विनायकर, आज हम लोग जल्दी उठे, आज हमारा नसीब खुलेगा ना। अरे ऐसा नहीं होता है गोगी बेटा, सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नसीब नहीं खुलता है, सुबह उठकर पढ़ाई करने से नसीब खुलता है। वाह 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 भिड़े अंकल। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल हमें क्या नई नई सीख देते हैं ना। सच में फ्रेंड्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर भिड़े अंकल हमारे बीच नहीं होते, मतलब हमारे साथ अगर इस सोसाइटी में नहीं रह रहे होते, अगर उनके सुविचार नहीं होते, हम कितने भटक जाते। एक्चुअली करेक्ट। हो का बरा, जाओ जाओ जाके खेलो अभी। भिड़े अंकल, अभी आपने बोला इसके लिए हम लोग खेलने जा रहे हैं, वरना हम लोग पढ़ाई के लिए जाते। हो तो जाओ पढ़ाई करो। जाओ जाओ खेलने जाओ। नौटंकी। गुड मॉर्निंग सोड़ी, सुबह सुबह बाहर से कहाँ से? आज संडे है ना, तो सवेरे सवेरे नाश्ता लेने गया था, तो मसालेदार अमृतसरी छोले और साथ में पनीर के भटूरे, तो घर जाके पटियाला ग्लास लस्सी, तो चल साथ में मिल के नाश्ता करते। मसालेदार छोले, पनीर के भटूरे और पटियाला ग्लास लस्सी, ये सब नाश्ता है? भाई सुन के पेट भर गया मेरा। अरे पिड़ू, सवेरे सवेरे की सुविचार लिखे है तू? पढ़ पढ़। हे वहा पिड़ू, क्या सही सुविचार लिखा है तूने? अगर सवेरे जल्दी ना उठो ना तो भटूरे छोले नहीं मिलते, खत्म हो जाते ना। क्या बोल रहे हो सोड़ी? पिड़ू, ओए ठंड रहा कि यार, मजाक कर रहे थी। बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा है। बिल्कुल अच्छा सुविचार नहीं लिखा है, ये तेरा सुविचार सुविचार नहीं, हम जैसे लोगों पर अत्याचार है। अभी क्या, अभी मिटा ये सुविचार को। अरे भाई पोपटलाल, क्या हुआ तुम्हें सुबह सुबह, क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तेरा इशारा मेरी तरफ है। ये लिख के तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं सुबह देर से उठता हूँ, इसलिए मेरा नसीब देर से खुलेगा, इसलिए मेरी शादी देर से होगी। अरे शिक्षक होकर तू ऐसे उल्टे सीधे सुविचार कैसे लिख सकता है? कल से ही तेरा सुविचार लिखना कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? ओए शांत हो जा छाताधारी पप्पू, शांत हो जा, क्या बोल रहे तू? अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा है सोड़ी, ये जानबूझ के सब लिखता है। अरे नहीं नहीं,
वो बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है सोडी, ये मुझे मुंह पर कुछ बोल नहीं सकता है ना, इसलिए अपने दिल की काली बात इस काले बोर्ड पर लिखता है। सुबह सुबह डिब्बे को क्या हो गया है? अर्जेंट मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कि तेरा सुविचार लिखना कैंसिल। अरे पोपट, सुबह सुबह कौवे की तरह काई काई क्यों कर रहा है? देखिए ना चाचा जी, मुझे परेशान करने के लिए ये भिड़ा ने क्या सुविचार लिखा है। क्या लिखा है इसमें, तेरे बारे में क्या लिखा है? चाचा जी मैं कभी कभी देर से उठता हूँ ना, इसलिए मुझे चिढ़ाने के लिए इसने ये सुविचार लिखा है। अरे हम पत्रकार लोग रात रात भर काम करते हैं, देर से घर आते हैं तो उठने में सुबह लेट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, मैं मेरा नसीब कभी नहीं खुलेगा, मेरी शादी कभी नहीं होगी। अरे ये डिब्बे, पहले अपने दिमाग का ढक्कन खोल। अरे भिंडी मास्टर ने ये सुविचार उन लोगों के लिए नहीं लिखा है जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए लिखा है जो काम नहीं करते, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, जो आलसी होते हैं, और पूरा दिन आराम करने के बाद भी दूसरे दिन सुबह लेट उठते हैं। अरे गुजराती में कहावत है, राते वेला जे सुए वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुख मा रहे शरीर। कल्ला पोपटलाल, बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। अरे पहले सोचो तो सही, समझो तो सही। हाँ। अभी समझा कि नहीं? हंस तो गए। अरे चाचा जी मैं पत्रकार हूँ, मैं पहले ही समझ गया था, मैं मजाक कर रहा था इसके साथ, भिड़े को सताने में बड़ा मजा आता है। तू भिड़े के साथ मजाक कर रहा था? ए डिब्बे, मजाक मजाक कर रहा था? मजाक 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 पोपू की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। तू क्यों सॉरी बोल रहे? सॉरी? हाँ, जिसको बोलना चाहिए तो बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़ा है। से डिब्बे, सॉरी बोल। बोलो बोलो। सॉरी चाचा जी। मुझे नहीं, भिड़े को बोल। ए, देखो बोल नहीं रहे चाचा जी। अरे बोल। सॉरी। अरे फिर से मुझे बोल रहा है? अरे उसे बोल। उसी को बोल रहा हूँ सॉरी। ऐसे बिना देखे सॉरी। देखो गुस्से से बोल रहा है चाचा जी। सॉरी। ऐसा दांत उठाऊं नहीं बोला इसे। अरे सॉरी भाई सॉरी। हाँ ये हुई ना बात। चलो मुझे मंदिर जाना है, मैं चलता हूँ। ओके चलो यारो, मैं भी निकलता हूँ, आज 11 बजे मिलते हैं। क्या लगता है भिड़े, आज 11 बजे कौन जीतेगा? मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कौन बोलेगा सलाम मालिक सलाम। आत्माराम, तुम पपड़लाल को सलाम मालिक सलाम क्यों कर रहा है? तुमने पपड़लाल के साथ शर्त लगाया था क्या? हाँ, मेरे और भीड़े के बीच में शर्त लगी थी कि आप में और जेठालाल में कौन जीतता है। मैंने बोला कि जेठालाल ही जीतेगा, तो ये तुरंत मान गया और सलाम मारने लगा। आत्माराम, अरे नहीं रे बाबा, ये पोपटलाल अभी तुमने बोला ना मजाक नहीं करूंगा, फिर से मजाक कर रहे हो तुम। कुछ नहीं, हम लोगों में ऐसी चर्चा हो रही थी कि आज 11 बजे कौन जीतेगा। अरे वह तो मैं ही जीतेगा ना। अच्छा मतलब गाड़ी आने वाली, ये गुड न्यूज नहीं है? ये क्या हो? अरे जेठालाल वाली गुड न्यूज क्यों पता ही? अच्छा मतलब जेठालाल ने तुमको ये बोला है कि ये गुड न्यूज है कि 11 बजे बम्पर ड्रॉ में बबीता ने जो कार जीता था वो आने वाला है? नहीं नहीं। इट्स ओके, थैंक यू आत्माराम, थैंक यू सो मच, थैंक यू पटलाल, थैंक यू सो मच। मतलब ये गुड न्यूज नहीं है यार? इल्ले नहीं, गुड न्यूज ये नहीं है। अरे अच्छा क्या है बताइए ना। वो गुड न्यूज ये है कि गुड न्यूज में 11 बजे पूरा दो दाढ़ी के सामने बताएगा और
बार गुड न्यूज सुनने के बाद जय डलाल पूरा सोसाइटी के सामने मेरे को सलाम मालिक सलाम करेगा। अभी मेरे को गुड न्यूज का तैयारी करने के लिए बाहर जाना है, तो 11 बजे मिलते हैं। ओके? ये क्या कर दिया पोपट डाल तुमने? क्या किया? क्या किया क्या? जेठाल वाली गुड न्यूज की बोली? वो निकल गया इनोसेंटली। इनोसेंटली? चल गलती से निकल गया भाई, लेकिन अगर मेरे मुंह से गुड न्यूज नहीं निकलती तो भी जेठालाल ने जो गुड न्यूज बताई वो गुड न्यूज तो है ही नहीं ना। तो अभी अभी जेठालाल हारेगा और अय्यर को सलाम करेगा। तो अभी जेठालाल को जाके बोल देते कि तुमने गलती की है। तो उससे क्या होगा, उससे अच्छा है जेठालाल को जाके ये बोलते है कि वो जो सोच रहा है वो गुड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज कुछ और है। हाँ, सच, सच। गीर जंगल सफारी माँ पंदर सिंहों ने निहाड़ी, प्रवासियों थया खुश। अरे खुश केम थवाय भाई, सीन जोई ने बीक लागे। देखो बेचारा शांति से बैठ के अखबार पढ़ रहा है। अरे अखबार पढ़ना बंद करो जेठालाल। एक पत्रकारों का तुम ये बोल रहे हो? हमेशा बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी के लिए पढ़ना बंद करो और हम जो कहने आए वो ध्यान से सुनो। अच्छा बोलो। बेटो बेटो बिड़े। क्या बोल? मैं क्यों बोलू? तुम बोलो। अरे बोलना। लेकिन मैं क्यों बोलू? गलती तुमने की है। अरे ऐसे नहीं है, गलती दोनों से हुई है। दोनों से कैसे? माना कि गलती मुझसे हुई है, लेकिन मेरी गलती को छुपाने के बजाय तुमने तो उसे बोल्ड अक्षरों में अंडरलाइन कर दी। ऐसा कहीं नहीं है। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? बालकनी में देखने के बाहर क्या बारिश बारिश हो रही है क्या? जो तुम दोनों को शांति से बैठ के कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ आके बातें कर रहे हो। तुम बातें करने नहीं आए हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। किससे? अय्यर भाई से। क्या मतलब? मतलब हमें पता चल गया है कि तुमने हमें जो गुड न्यूज बताई है वो गुड न्यूज है ही नहीं। क्या? तुम्हें कैसे पता? अय्यर भाई से। अय्यर भाई ने सामने से बताया तुम्हें कि उनकी गुड न्यूज क्या है? नहीं नहीं। तो कैसे पता चला? हमें इतना पता चला है कि तुमने जो गुड न्यूज गेस की है वो गुड न्यूज है ही नहीं। हाँ वही पूछ रहा हूँ कि वो पता कैसे चला? वो ये बताएगा। नहीं नहीं उसको छोड़, तू ही बता भाई। हाँ हाँ ये सब रोकला भाई। हाँ इसने अय्यर को बता दिया कि तुमने हमें कौन सी गुड न्यूज बताई है। गलती से मुझसे निकल गया। ऐसे कैसे गलती से मुझसे निकल गया? अभी तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे पूरी सोसाइटी के सामने अय्यर भाई को सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अरे क्या कुछ नहीं होगा? अभी तो अय्यर भाई को पता चल गया ना कि मैंने जो गुड न्यूज का अंदाजा लगाया था वो है ही नहीं, मतलब मैं हार गया। जेठालाल जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अरे क्या इसमें अच्छा क्या हुआ? बोलना तू काय बसना है? दूसरी बात, 11 बजने में बहुत टाइम है, तो तुम पता कर सकते हो कि असली वाली गुड न्यूज क्या है। अरे पर पता करके करूँ क्या? अरे क्या करूँ मतलब? अरे पता चल जाएगा ना कि अय्यर ने हमसे सच बोला कि झूठ। हाँ लेकिन अभी ये पता कैसे लगाऊं? जेठालाल अय्यर भाई गुड न्यूज की तैयारी करने के लिए घर से बाहर गए। तुम बबीता जी को फोन करके आइडिया से पता लगा लो कि गुड न्यूज क्या है। हाँ बराबर ना भिड़े? हाँ बराबर बराबर। चल चल। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तैयार होने में, 11 बजे आना है ना, आना पड़ेगा ना। चल आता। जेठा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन, आप बताइए। अच्छा वो अय्यर भाई ने बताया हाँ, आज तो जो गुड न्यूज देने वाले हैं। हाँ तो क्या है बबीता जी के वो गुड न्यूज के लिए मुझे आपको एक बढ़िया सी गिफ्ट देनी है, लेकिन भी क्या है कि बिना जाने वो गुड न्यूज क्या है मैं गिफ्ट लेके आया और वो प्रसंग के अनुरूप नहीं हुआ,
तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा तो मुझे जानना है वो गुड न्यूज क्या है। हाँ वेल नाइस ट्राई हाँ जेठा जी। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि गुड न्यूज क्या है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है गुड न्यूज को लेके आपके और अय्यर के बीच में शर्त लगी है। आपको किसने बताया? ऑफ कोर्स अय्यर ने। बता दिया आपको? अच्छा अच्छा तो बबीता जी अपनी जो दोस्ती है उसके नाते आप एक मुझे छोटे से हिंट नहीं दे सकते? नहीं जेठा जी सॉरी। नहीं बराबर जब आपको पता है कि मेरा और अय्यर भाई के बीच में शर्त लगी है तो आपको मुझे बताना ही नहीं चाहिए। बराबर है बबीता जी। आई एक्सपेक्ट यू। आदर आदर सम्मान है मुझे आप पे। रिस्पेक्ट यू मीन रिस्पेक्ट। गुड न्यूज क्या है रता साहब? अरे पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आता हूँ जरा मेहता साहब के घर पे जाके। पापा पहले आप गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा लीजिए फिर जाइए। तो जलेबी फाफड़ा लेने गया था? हाँ हमारे ग्राउंड के सामने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा बन रहे थे तो मैं लेके आया। एक काम कर तू मेरे लिए और मेहता साहब के लिए अलग से निकाल के दे दे मैं वहीं उनके साथ नाश्ता कर लूंगा। ठीक है पापा। अरे वाह ये मस्त हो गया। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा के मेहता साहब को मस्त आइडिया आएगा मुझे जिताने का। ये लीजिए पापा। हाँ ला थैंक यू चलो। हाँ अरे जेठा आओ आओ। मेहता साहब नाश्ता हो गया? नहीं क्यों? अरे वने मैं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आया हूँ। अरे वाह 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 आओ आओ। हाँ, हाँ। बैठो गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और आज तो डबल धमाका हो गया। डबल धमाका? अरे हाथी भाई के घर से भी मेरे लिए नाश्ता आने वाला है। वो तो आप ये नहीं खाएंगे? खाऊंगा ना ये भी खाऊंगा। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं मेरा बाकी है। अच्छी बात है ना साथ में नाश्ता करते। कहाँ जा रहे हैं? प्लेट लेने। नहीं प्लेट बाद में लाना पहले। क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है? हाँ वो अय्यर भाई के साथ जो मैंने शर्त लगाई है वो मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ। क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे पता है लेकिन अभी पता चला कि मुझे जो पता है वो गलत पता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सीधे सीधे कहो ना बात क्या है। अभी थोड़ी देर पहले भिड़े और पोपटलाल को अय्यर भाई सोसाइटी कंपाउंड में मिले तो बातों में उनको पता चला कि जो गुड न्यूज है वो कार वाली गुड न्यूज नहीं है कोई और है। तो गुड न्यूज क्या है? वो नहीं पता। क्यों अय्यर ने नहीं बताया? नहीं ना इसीलिए अभी हमें कैसे भी करके पता लगाना होगा कि वो अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। अरे यार क्या मस्त खुशबू आ रही है पहले खा लूं फिर आइडिया दूं? अरे नहीं मेहता साहब पहले आइडिया दीजिए तो इनाम में आपको ये खाने को मिलेगा। यार मेहता साहब देखिए 11 बजे से पहले अगर हमने पता नहीं लगाया कि वो गुड न्यूज क्या है तो मुझे पूरी सोसाइटी के सामने अय्यर भाई को झुक के हो सलाम मारनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए मेहता साहब प्लीज। ठीक है कहाँ जा रहे हैं? सोच रहा हूँ। सोचने का बोल के प्लेट लेने मत चले जाना। अजय ठाला एक काम करें। हाँ, क्या हम किसी को अय्यर के घर पर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि बातों बातों में अय्यर से पता कर ले कि गुड न्यूज क्या है। वाह मस्त आइडिया मस्त आइडिया। किसे भेजे? अब्दुल? नहीं अब्दुल तो बहुत सीधा और बहुत भोला है वो नहीं कर पाएगा। किसे भेजे? आपने उस कहावत के बारे में तो सुना होगा ना आ बैल मुझे मार। मुझे तो लगता है इस कहावत का इजाद जेठालाल के लिए हुआ है।
उसने बैठे बैठे पंगा ले लिया। क्या जरूरत थी अय्यर के साथ शर्त लगाने की? जेठालाल को लगा कि वो अय्यर की गुड न्यूज के बारे में जानते हैं, मतलब बबीता जी की कार। लेकिन पोपटलाल और भिड़े के जरिए उसे पता चला है कि गुड न्यूज कुछ और ही है। अब जेठालाल क्या करेगा? अब वो अय्यर के पास किसे भेजेगा गुड न्यूज जानने के लिए? और क्या वो गुड न्यूज जान पाएगा? मुझे नहीं लगता कि अय्यर इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाला है, क्योंकि वो भी शर्त जीतना चाहता है। तो क्या जेठालाल गुड न्यूज के बारे में जान पाएगा, या फिर मजबूरन उसे सबके सामने अय्यर को सलाम करना पड़ेगा? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अय्यर अंकल है ना, है ना? तो वो 11 बजे पूरी सोसाइटी को कुछ गुड न्यूज सुनाने वाले। तू अय्यर अंकल के घर पे जाके जरा पता लगा के आएगा कि वो गुड न्यूज क्या है। बस अय्यर भाई, गुड न्यूज क्या है वो तुझे बताएंगे, वो मैं यहाँ मेरा फोन पे सुन लूंगा। प्रॉमिस, तुम किसी और को नहीं बताओगे? हाँ, नेवर नेवर। ओके ठीक है। तो गुड न्यूज ये है कि एक मिनट बबीता, बोलिए जरा मोबाइल जरा।